हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि जर्मनी में आ गई है बहुत भयंकर वाली सर्दियां। तो आज है 10 नवंबर और भयंकर वाली सर्दी आ चुकी है। आप देख सकते हो हवाएं चल रही हैं एकदम, मतलब जो किल कर सकती हैं। जैकेट्स आ गए बाहर। तो आज का वीडियो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है अगेन, और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा हाई डिमांड कौन सी जॉब्स की है। तो हमने जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि जर्मनी को जैसे बहुत सारे वो चाहिए, इमिग्रेंट्स चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। और उसके बाद में जैसे जर्मनी, वैसे तो आपको पता ही होगा, एकदम जैसे यूरोप में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी की, यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वैसे तो यहाँ पर ना हर सेक्टर में ही जॉब्स अवेलेबल हैं, बट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पर मतलब और ज़्यादा मतलब डिमांड है। तो मतलब अगर आप उन सब फील्ड से बिलोंग करते हो, या फिर जैसे आप अगर 11th 12th में हो और अपने करियर ऑप्शंस देख रहे हो, आपको जर्मनी आना है, तो फिर आप जैसे अगर चाहो तो उन फैक्टर्स को जैसे कंसिडर कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे अभी एक और वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बताया था कि जर्मनी ने जैसे ना रूल्स भी थोड़े से और फ्लेक्सिबल कर दिए हैं जॉब लेने के लिए स्टूडेंट्स, और जैसे जॉब सीकर वीज़ा पे आप अगर आना चाहते हो। तो मतलब इन्हीं सब की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट जॉब कौन सी सबसे ज़्यादा डिमांड में है जर्मनी में, उसकी बात करते हैं इस वीडियो में। और बाकी जो ये जॉब सीकर वीज़ा है और जॉब कैसे लेना है, इस पर जो डिटेल वीडियो है वो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। हाँ। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाँ। तो जो सबसे पहले आता है हाई डिमांड प्रोफेशन, जो कि ऑफकोर्स मतलब वर्ल्ड वाइड ही आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो सेम वैसा ही है जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वो है मेडिकल सेक्टर। और मेडिकल में ऐसे नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जर्मनी में जैसे ना एजिंग पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, तो इनको ना नर्सिंग या फिर जैसे जो सीनियर लोग हैं उनकी केयर करने के लिए जैसे स्टाफ चाहिए होता है, तो नर्सिंग और डॉक्टर्स दोनों ही फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। और जैसे अगर आपने इंडिया से या फिर कोई और कंट्री से अपना एजुकेशन किया है, तो भी आप यहाँ पे जैसे आपको एक ऑफिशियल लाइसेंस मिल जाएगा जर्मनी में प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप ले सकते हो, और उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो जर्मनी से। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ कि डॉक्टर की क्या सैलरी है जर्मनी में, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 5.8K यूरोस पर मंथ। लेकिन ये सैलरी है मतलब एवरेज सैलरी है जर्मनी में इस प्रोफेशन की। अगेन जो भी सैलरी है बिफोर टैक्सेस है, मतलब टैक्सेस इसके बाद में लगने वाले हैं। हाँ, ये इस वीडियो में हम जो भी सैलरीज बताएंगे वो मतलब एवरेज नंबर हम बता रहे हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। तो जैसे अगर आपको टैक्सेस या फिर सैलरी के बारे में डिटेल में अगर जानना है, तो वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। बट इस पे जैसे हम आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। उसके बाद में चलो डॉक्टर्स की बात हो गई, फिर अगर बात करें नर्सेस की, तो अगेन नर्सिंग भी यहाँ पे उतना ही ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट नर्सिंग ज़्यादा है कंपेयर टू डॉक्टर्स, मुझे वही मैं बोलूँगी कि डॉक्टर्स से ज़्यादा डिमांड है नर्सिंग की यहाँ पे। और अगेन नर्सिंग में भी या तो आपने जैसे अगर इंडिया से पढ़ाई कर ली है, तो आपकी अगर जैसे वो डिग्री इक्विवेलेंट है जो जर्मनी में रिकग्नाइज हो सकती है, तो आप अगेन यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं लाइसेंस लेके। अदरवाइज़ फिर आपको जैसे कुछ टेस्ट वगैरह देने होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद आप अगेन यहाँ पे नर्सिंग भी जॉब अपनी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में एक जो और ज़रूरी चीज़ रहती है, वो है कि आपको B1 या B2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। और नर्सिंग में जो एवरेज सैलरी है जर्मनी में, वो है अगेन 3.2K से लेके 3.5K पर मंथ, जो कि अगेन हमारा इंडिया का मान लो आप 2.75 लाख के आसपास हो जाता है, और डॉक्टर्स का हो जाता है 5 लाख INR। तो मेडिकल प्रोफेशन की बात करने के बाद बात करते हैं जिसके लिए जर्मनी बहुत ही मशहूर है, जाना जाता है, वो है इंजीनियरिंग सेक्टर। इंजीनियरिंग इनकी मार्वलस है बहुत जमानों से, तो इसके बारे में तो बात करना बनता है। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैकेनिकल से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, फिर ऑटोमोटिव हो गई, फिर कंप्यूटर साइंस है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, सिविल में भी बहुत सारा स्कोप है, फिर टेली कम्युनिकेशन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका बहुत सारा स्कोप है। आई थिंक इधर जो ईस्ट जर्मनी है उधर इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी ज़्यादा बूम रहता है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग। और मैकेनिकल तो ऑल ओवर जर्मनी है, कंप्यूटर साइंस काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको बैचलर्स के बाद ही जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको डिप्लोमा के बाद जॉब नहीं मिल सकता।
आपको एक बस अपनी टेक्निकल फील्ड पकड़नी है, उसमें आपको अपनी स्किल्स बनानी है और आपको जॉब्स यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो चाहे बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, पीजी, सबके लिए एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जॉब में अगर सैलरी की बात करें तो अराउंड मेरे हिसाब से 4,000-4,500 यूरो से लेके 5,500 यूरो तक की सैलरी आपकी बनती है पर मंथ। तो जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में देखोगे तो अराउंड वही 4.25 लाख से लेके 4.5-5 लाख रुपए तक पर मंथ हो जाएगी। ये है नॉट फॉर द फ्रेशर, नॉट फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए, मतलब मिड आपका एवरेज एवरेज नंबर है और मिड एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक साल बाद में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, होने को हो भी सकता है। सो अपन सैलरी मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव है, हाँ मतलब एवरेज नंबर की बात कर रहे हैं अपन कि ये इस रेंज में आप देख सकते हो। तो इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में बात करते हुए मैंने टच किया कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बहुत सारी डिमांड है, लेकिन अगर अपने को बात करनी है प्योर हाई डिमांड जॉब्स की तो उसमें आईटी का नाम तो काफ़ी ऊपर रहता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजीनियरिंग सेक्टर आईटी के बिना छूता है, तो सब के सब इंजीनियरिंग सेक्टर्स में आईटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और आजकल तो सब कुछ सॉफ्टवेयर पे और डिजिटली ही होने लगा है, तो ऑफ कोर्स ये प्रोफेशन तो ऐसा है, मुझे लगता है कि अभी तो एट पीक चल रहा है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये पिछले 10-15 सालों के अंदर में आईटी बहुत ऊपर खींच के आ गया। इसके बारे में आई थिंक हमें ये बात करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना क्या इंपॉर्टेंस है, सब लोग जानते हो। तो अब आईटी के अंदर में कंप्यूटर साइंस अगर अपन देखते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, फिर एप्लीकेशन सपोर्ट, आईटी के अंदर कंसल्टिंग की बहुत सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। डेटा साइंटिस्ट, हाँ डेटा साइंटिस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, मतलब डेटा के बिना तो कुछ भी नहीं चल रहा है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी फील्ड्स तो मतलब एकदम नीश स्किल मैं कहूँगा। इनमें अगर आपको इनकी ABCD भी आती है, अच्छे से आती है, कोडिंग आती है, तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो। और इसमें जर्मनी में सैलरीज भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो अराउंड 5,000 यूरोज पर मंथ आपको मिल जाएंगे, जो कि अगेन 4 से 4.25-4.5 लाख रुपए के आसपास होते हैं पर मंथ बिफोर टैक्सेस। तो अब हमने लोकेशन स्विच कर ली है क्योंकि हमको आपको दिखानी थी ये पीछे अमेजिंग स्काईलाइन, कितना अच्छा व्यू आ रहा है फ्रैंकफर्ट की पूरी स्काईलाइन का, और साथ में ये जो फॉल कलर्स की लीव्स हैं ये भी कितनी अच्छी लग रही है। तो जैसे कि अभी अपन ने बात करी कि कंप्यूटर साइंस, आईटी और जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे प्रोफेशन भी कितने ज़्यादा डिमांड में हैं, तो यहाँ पे जैसे अगर आप भी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप अगर जैसे अपने डेटा स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप बिगिनर हैं और डेटा स्किल्स सीखना चाहते हैं ताकि आपको जैसे प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प हो, या फिर आप ऑलरेडी जैसे वर्क कर रहे हैं, काफ़ी साल का आपको एक्सपीरियंस है बट आप और इन्हेंस करना चाहते हैं अपने स्किल्स, तो यहाँ पे हम आपको रेकमेंड करना चाहते हैं कि आप चेकआउट करें डेटा कैंप को। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर डेटा स्किल्स, जहाँ पे आपको ओवर 350 डेटा से रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे। तो आप मतलब चाहे तो बिगनर हो, या फिर आप मतलब मिड लेवल हो, या फिर सीनियर हो, आपके लिए सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप उनका जैसे एक फ्री असेसमेंट भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपको खुद से रेकमेंड कर देंगे कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो जैसे मैंने भी ये ट्राई किया, जो मेरी प्रोफाइल है उसमें मेरे को एक्सेल, SQL ये सब बहुत काम आते हैं, तो फिर मैंने भी इनकी क्लासेस ली और मतलब मैंने देखा कि ना एक्चुअली काफ़ी ईजी था सीख पाना, क्योंकि आपको जैसे बहुत सारे ना वीडियो लेसन्स मिलेंगे उसमें, फिर जैसे आप हर एक लेसन कंप्लीट करते हो उसके बाद में आपको ना जैसे 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं एज ए टेस्ट, जो हम स्कूल या कॉलेज में भी देते हैं। मतलब काफ़ी ईजी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कुछ भी नई स्किल्स सीखने के लिए। तो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे गेमिफाइड एक्सपीरियंस है क्योंकि ऐसे आपको पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं। और क्योंकि डेटा कैंप ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो इसलिए उन्होंने हमको दिया है एक स्पेशल लिंक, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वो लिंक से साइन अप करोगे तो आपका फ्री साइन अप होगा और उसके बाद में आप कोई भी जो कोर्स है उसका फर्स्ट चैप्टर फ्री में ले सकते हो। तो हमने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके फ्री साइन अप कीजिए और फिर अपना फर्स्ट चैप्टर लीजिए। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप मतलब उनकी पूरी कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं और हमको भी बताना कि क्या अच्छा लगा आपको। सो शिल्पा जी, नेक्स्ट हाई डिमांड जॉब कौन सा लेके आई हैं आप अपने पिटारे में? तो जो नेक्स्ट और प्रोफेशन है जो अगेन काफी ज्यादा डिमांडिंग है जर्मनी में, वो है HR
मार्केटिंग और पीआर, दो ये तीनों ही प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज से डोमिनेटेड हैं, बट वो तो मेडिकल और नर्सिंग भी हैं। और इन सब प्रोफेशन में अगर जैसे मैं बात करूँ कि एवरेज सैलरीज क्या रहती हैं, तो वो है अगेन 3.8 से लेके 4.2K पर मंथ, जो कि अगेन हो जाता है हमारा इंडिया का 2.7 लाख से लेके 3 लाख 15,000 के आसपास। और अगेन इनमें भी जैसे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो आप ऐसा मत सोचना अगेन कि जर्मनी में सिर्फ जैसे इंजीनियरिंग या फिर यू नो आईटी यही सब प्रोफेशंस हैं, एचआर, मार्केटिंग और पीआर, सेल्स, बैंकिंग, ये सब भी काफ़ी डिमांड में है। तो ये तो हो गए सारे जैसे ना जो स्किल्ड प्रोफेशन की हमने बात की, बट यहाँ पे जैसे एक और प्रोफेशन है जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है जर्मनी में, और वो है कंस्ट्रक्शन। और इनफैक्ट नॉट इवन कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है जर्मनी में। तो रियल इस्टेट से मतलब क्या कहना चाहती है, मतलब रियल एस्टेट बनाना, मतलब यहाँ के बिल्डर बन जाए? हाँ, बन जाओ ठेकेदार। नहीं, आई थिंक यू मीन कि जो रियल एस्टेट में सेल करने के लिए है बेसिकली, हाँ, उनकी हाँ, बहुत ज्यादा डिमांड है। उसमें पैसा भी काफी अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे घर ढूंढ रहे थे, तो मतलब अगर आप एजेंट के थ्रू लेते हैं तो 2 से लेके 5-5% तक भी एजेंट की फीस हो सकती है। तो आप इमेजिन कर लो, अगर 4-5 करोड़ का घर है तो 5% तो बहुत अच्छी अमाउंट हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो शिल्पा जी, कंस्ट्रक्शन में फिर यहाँ पे जर्मनी में क्या सैलरी चल रही है आज के दिन में, एवरेज नंबर? तो अगर एवरेज नंबर की बात करें कि कंस्ट्रक्शन में क्या सैलरीज है, तो ये मतलब महीने कि 2300 से 2500 यूरोज रहती है, जो कि अगेन इंडिया का 2 लाख रुपए आप मान लो। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख के बीच में आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब करते हैं उनको मिल जाता होगा। अगेन इट्स नॉट फॉर द जो आर्किटेक्ट होता है, वो एक अलग डोमेन है, उसमें बेसिकली वो सिविल वाले बंदे आते हैं, तो उसमें तो अलग सैलरीज हैं, काफ़ी अच्छी सैलरीज मिल जाती होंगी। बट जो हम ये कंस्ट्रक्शन वाला बात करें, इसमें जो इन जनरल बिल्डिंग लाइन में आपको यू नो ब्लू कॉलर वाले जो जॉब्स होते हैं उनके लिए, तो ये तो बातें होगी भाई शिल्पा की हाई डिमांड मेजरली कौन से जॉब सेक्टर्स में है। बट यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि इतना बड़ा देश है तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि और भी बहुत सारे सेक्टर्स में डिमांड है। ऐसा नहीं है कि उन सेक्टर्स में सैलरी कम है, जॉब ही नहीं है। तो आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे जाओ या फिर जो भी स्टेपस्टोन है इन सब वेबसाइट्स पे जाओ और देखो कि आपकी जो स्किल है उसमें कितने जॉब्स अवेलेबल हैं इन सर्टेन सिटीज़, और फिर अपने सिटी वाइज या फिर जहां आप मूव होना चाहते हो या फिर जिन कंपनीज़ में आप जॉब देखना चाहते हो उनकी लिस्ट बना के फिर उन जो शहर है उनका कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा शहर आपके लिए यू नो सूटेबल रहेगा या फिर कौन सी कंपनी आपके लिए सूटेबल रहेगी और उसमें कितनी जॉब्स फ्रिक्वेंटली ओपन हो रही हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट जॉब्स आ रही हैं इसका मतलब उस स्किल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एग्जैक्टली। और जैसे अगर आप जब भी सैलरी निगोशिएट करते हो तो आपको ना शहर को जरूर कंसीडर करना है कि कौन सा शहर है, वहाँ पे क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी डिमांड करें। और जैसे अगर आप इंडिया से जॉब देख रहे हैं तो आप देख सकते हो कि आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो क्या, या फिर जैसे अगर आप जॉब सीकर वीजा के लिए एलिजिबल हो क्या, आपकी जो एजुकेशन है वो इनफ है कि पढ़ना पड़ेगा, तो आप जैसे अगर मास्टर्स या कोई और अगर एजुकेशन परस्यू करने भी आ सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जर्मनी आने के लिए। और यहाँ पे जैसे अपना कोई भी प्रोफेशनल करियर में आपको शुरुआत करनी है वो करने के लिए, तो उस पर भी हमने हमारे चैनल पे अगेन बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, हमने काफ़ी कोशिश कर रखी है हमारी तरफ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी आई होप ये वाला जो वीडियो था वो आपको हेल्पफुल लगा हो, और भी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं। यस, और कमेंट में आप अपने जैसे सवाल पूछेंगे तो हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव वहाँ पे कम्युनिटी बनाते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमें नहीं पता है तो बाकी कोई और होगा जिसको यहाँ पे पता होगा वो चीज़ वो रेस्पॉन्ड कर देते हैं, तो ये बहुत यू नो एक पॉजिटिव वे है कमेंटिंग का। और लाइक करो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट्स में ड्रॉप करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मतलब ऐसे लगता है कि ये तो ऐसे वो है कि मैंडेटरी है कि ये लाइन क्या बोलना है। हाँ, मतलब आई डोंट नो कितना फर्क पड़ता है कि बोलने से कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वैसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर ही देंगे। जेन्युइन फीडबैक तो मतलब सब कोई अपना देते ही है, सो वी रियली अप्रिशिएट जेन्युइन फीडबैक आप अपना देते रहें। और इसी के साथ हम लोग आपको कहना चाहेंगे ऑल द बेस्ट अगर आप यहाँ पे जर्मनी मूव होने का प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई भी कंट्री अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।